सो हे गाइस, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयल टेक। सो दोस्तों, अगर आप भी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, सो दोस्तों इस वीक आपने ऐसी कोई न्यूज़ तो देखी या सुनी जरूर होगी, जिसमें दोस्तों अमेज़ॉन ने किया एक बंदे के साथ फ्रॉड और दोस्तों उस बंदे को क्लोन आईफोन 11 256 GB का रिसीव हुआ है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो हम जानने वाले इसकी पूरी सच्चाई और दोस्तों ये एक अवेयरनेस वीडियो होगी बेसिकली। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे देकर घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अमेज़ॉन में चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और दोस्तों ऐसे में जो अमेज़ॉन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनमें भारी डिस्काउंट में मिल रहा है हम सभी को 4 to 5,000 का। दोस्तों अमेज़ॉन के इसमें जो फ्रॉड वगैरह है वो भी इन दिनों काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही एक केस हुआ है, हमारे जो क्रिएटर हैं यूट्यूब में दोस्तों उनका चैनल भी है रैप गेमिंग करके, दोस्तों वो दिल्ली से हैं। तो दोस्तों उन्होंने 16 को एक ऑर्डर प्लेस किया था आईफोन 11 का 64 GB का 48,000 रुपीज़ का। दोस्तों उन्हें वो 17 को रिसीव हुआ। अब दोस्तों वो कहते हैं अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना रहे थे उस आईफोन 11 की अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसे दोस्तों वो अपने चैनल में अपलोड करते, पर दोस्तों जब वो वीडियो बना रहे थे उन्होंने दोस्तों जब अमेज़ॉन की पैकिंग वगैरह ओपन करी, सो दोस्तों वहाँ पे जो एप्पल की तरफ से थी वो कोई भी एक अच्छी सी पैकिंग वगैरह नहीं थी, सिंपल सा दोस्तों बॉक्स था। और दोस्तों जब उन्होंने बॉक्स ओपन किया वहाँ पे दोस्तों जो उनका फ़ोन था वहाँ पे दोस्तों उसके पीछे दोस्तों कुछ स्टिकर्स वगैरह चिपके हुए थे, जबकि दोस्तों एप्पल में कोई भी स्टिकर्स वगैरह ऐसे नहीं आते फ़ोन के पीछे। और दोस्तों फ़ोन के दोनों साइड कैमरे के साइड उनके स्क्रैचेस वगैरह थे और दोस्तों जो उनको फ़ोन रिसीवर 256 GB का था। दोस्तों जहाँ तक ये जेन्युइन है वो दोस्तों उन्होंने अपनी वीडियो भी अपलोड करी है यूट्यूब पे, दोस्तों मैं उसकी क्लिप आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। गाइस आज मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़ॉन ने भी मेरे साथ जो लेटेस्ट जो मैं आपको बता रहा था मेरे साथ फ्रॉड किया था। तो ये देखो मैं अपना एड्रेस वगैरह इसमें नहीं छुपाऊंगा, जो एड्रेस आप देख लो। तो अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे आईफोन 11 मैंने ऑर्डर किया था और इन्होंने मेरे को जो सेंड किया वो भेजा एक क्लोन डिवाइस। तो ये तरीका बनाया था। अब ये देखो आईफोन 11 के अंदर ये किस तरीके का एक रैपर लगा है 5G KK नेटवर्क, जो होता नहीं है ये। दोस्तों ये थी उनकी छोटी सी क्लिप। अगर दोस्तों आप लोगों को पूरी क्लिप देखनी है तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इन भाई के पास प्रूफ है, तो दोस्तों इन्होंने कॉन्टैक्ट किया अमेज़ॉन वगैरह से। दोस्तों जब ये जो दोस्तों इन्होंने पहले तो रिटर्न प्लेस किया, अब दोस्तों जो डिलीवरी बॉय आता है वो दोस्तों इनसे कहता है कि अमेज़ॉन से हमें मेल करवाइए कि हम आपका रिटर्न लेके जाएँ, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी पता है क्लोन डिवाइस है। दोस्तों जब ये अमेज़ॉन से कॉन्टैक्ट करते तो अमेज़ॉन वाले कहते हैं हमने उन्हें ऑलरेडी मेल कर रखा है। दोस्तों अब जो अभी तक है फिलहाल तो इनका रिफंड नहीं मिला है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप लोग भी कभी प्रोडक्ट परचेज करते हैं 10,000 या उससे ज़्यादा का, दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को जो बातें ध्यान में रखनी है, दोस्तों जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो दोस्तों जो प्रोडक्ट होता है अमेज़ॉन में उसके नीचे दोस्तों 4-5 सेलर होते हैं। दोस्तों हर प्रोडक्ट के 4-5 सेलर होते हैं। दोस्तों आप लोग को सबसे बढ़िया सेलर देखना है जिसके दोस्तों जो रिस्पॉन्स है 90 की लाइन में हो, दोस्तों 80-90 पॉजिटिव परसेंट हो। दोस्तों वहाँ सब कुछ शो होता है कितना परसेंट पॉजिटिव कितना परसेंट नेगेटिव। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना सेलर अच्छा ढूंढना है और फिर दोस्तों आप लोग को जब प्रोडक्ट परचेस कर लेना है और जब दोस्तों फिर आपको प्रोडक्ट अपना रिसीव होता है तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है उसकी क्लिप वीडियो बना लेनी है। दोस्तों आप लोग को उसकी सील ओपन करते हुए वीडियो बना लिए, जिससे दोस्तों अगर आपके साथ फ्यूचर में कभी होता है, वैसे दोस्तों हो ना पर दोस्तों बहुत ही रेयर केस है वैसे ये, अगर दोस्तों बाय चांस कभी हो जाता है तो दोस्तों आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके साथ होता है तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, चले जाना अपने ट्विटर अकाउंट में, वहाँ दोस्तों आप लोग को ट्वीट कर देना अपना मैटर वगैरह डाल के अमेज़ॉन इंडिया को और अमेज़ॉन हेल्प सेंटर को, जिससे दोस्तों वहाँ से वो आपको तुरंत रिप्लाई देंगे और आपको अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करने के लिए कहेंगे। दोस्तों ऐसे ही इन भाई ने भी किया है, इन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया था। और अगर दोस्तों आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इनके पोस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बता के दोस्तों इनकी पोस्ट को रिट्वीट कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी तरफ से इन भाई की कुछ हेल्प हो सकेगी। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं अगर दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हमारी इस वीडियो से सीख मिली होगी और दोस्तों बाकी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है तभी दोस्तों आप लोग को किसी साइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ और यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे देकर घंटी वाले बटन को दबा लीजिएगा। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू एक्साइटिंग वीडियो में न्यू एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।